23 मार्च से खेले जाने वाली है भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज, और इस ओडीआई सीरीज में आशंका जताई जा रही है कि तीन खिलाड़ियों को, भारतीय खेमे में से तीन खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। कौन है ये तीन खिलाड़ी और क्यों इनको आराम देने की बात चल रही है, आइए जानते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। इसमें खेलने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर समेत कुल 8 खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग के पहले आराम दिए जाने की खबर है। शनिवार को भी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने BCCI से उनको रिलीज किए जाने की गुजारिश की थी। बोर्ड ने उन्हें रिलीज करते हुए आखिरी टेस्ट मैच से बाहर रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ओपनर रोहित शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। तीन मैचों की सीरीज का आयोजन पुणे में किया जाना है। सीरीज के मुकाबले 23, 26 और 28 मार्च को खेले जाएंगे। भारतीय टीम के जो खिलाड़ी लंबे समय से बायो बबल में हैं, उनको आराम दिए जाने को लेकर टीम मैनेजमेंट काम कर रही है। बुमराह और मोहम्मद सिराज को T20 सीरीज से बाहर रखने का फैसला इसी नीति का हिस्सा है। इंग्लैंड के दौरे के ठीक बाद भारत में T20 टूर्नामेंट IPL का आयोजन किया जाना है। इसी साल भारत में T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन होना है। बायो बबल लाइफ किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी इंसान को काफ़ी प्रभावित कर सकती है, और लगातार क्रिकेट खेली जा रही है टीम इंडिया, खासकर ये खिलाड़ी, और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन तीन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा आगे आने वाले टूर्नामेंट्स को देखते हुए। अब इसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, जैसे ही इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा होती है हम आपको उससे इन्फॉर्म करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सेफ न्यूज़ तक पर।